हाय फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ एक अच्छे से टॉपिक जो कि विटामिन ई कैप्सूल्स के ऊपर है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि विटामिन ई कैप्सूल्स क्या है और इसके फ़ायदे क्या है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में है विटामिन ई कैप्सूल, तो हम देखते हैं कि क्या इसके फ़ायदे और नुकसान, और इसको क्या हम सप्लीमेंट की तरह ले सकते हैं, खा सकते हैं या नहीं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे हमारे जो रेडिकल्स होते हैं या रिंकल्स होते हैं, एजिंग के लाइंस जो होते हैं वो हट जाते हैं, पिंपल के दाग धब्बे वो भी चले जाते हैं इससे। स्किन और हेयर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बट जहाँ खाने की बात है वहाँ आप बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर की सलाह लिए मत खाइए। क्योंकि अगर आप पहले से कोई दवाई खा रहे होंगे, या फिर हो सके कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, तो फिर खुद से खाना ये सही नहीं होगा, तो आप डॉक्टर की सलाह लेके ही खाएं। स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, किसी भी चीज़ में मिला के इसको लगाइए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं एक बार लाई थी तो ये एक्सपायर हो चुका था। तो फिर वो जब आप यूज़ करेंगे तो आपका स्किन ख़राब हो जाएगा, या फिर हेयर पे यूज़ नहीं कर सकते, ये फिर ख़राब हो जाता है। तो आप इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह देख लिया कीजिए। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत टेंशन वाला बात होता है, क्योंकि ये ऑयल जो है वो चिपचिपा होता है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए भी है रेमेडी, मैं बताऊंगी आने वाले वीडियोस में कि ऑयली स्किन वाले इसको कैसे लगा सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विटामिन ई कैप्सूल के ऊपर ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन सब के लिए वीडियोस आने वाले हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।